हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बाहर, यहां बीएड छात्रों की तरफ से बड़ा धमाका, साथ में इसको लेकर बड़ा फैसला देखने को मिला है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बीएड छात्रों ने पलटवार कर दिया है। जी हाँ, इसके अलावा आबकारी विभाग में बम्पर भर्ती भी देखने को मिल रही है। तो इन सभी बड़ी अपडेट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, इसलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बेरोजगार छात्रों के लिए। जी हाँ, एक बार फिर से आबकारी विभाग में 337 सिपाहियों की भर्ती करने का जो निर्णय है वो विभाग की तरफ से लिया गया है। और ये जो निर्णय है अभी हाल ही में लिया गया है, और भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू करने का जो निर्णय है वो केवल 337 सिपाहियों के लिए लिया गया है। साथ ही अभी जो पिछली चयन प्रक्रिया है 376 वाली, वो अभी नियुक्ति की जाने की संभावना जल्दी है, अभी उनकी ही नियुक्ति नहीं हुई है, जो कि 2016 की भर्ती है। तो उसकी नियुक्ति के बाद ही 327 नई भर्ती का जो अध्याचन है, आप देखिए आबकारी मुख्यालय प्रयागराज से सिपाही के 327 पदों का नया अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ भेजा जा चुका है। अब यहां से मंजूरी मिलने के बाद इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहां पर आप देख पाएंगे और यहां पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और सिपाही पर यहां आप नौकरी पा सकते हैं। फिलहाल इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो जारी होने के बाद चीजें और ज्यादा स्पष्ट होंगी कि यहां पर पीईटी की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ही इसे कराने वाला है, तो पीईटी की आवश्यकता यहां पर जरूर पड़ने वाली है, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। और जब बिना पीईटी के 2016 की भर्ती अभी तक नहीं पूरी हुई तो इसमें और ज्यादा समय लग सकता है। फिलहाल विज्ञापन आ जाएगा लेकिन पूरा होने के लिए समय लगेगा, तो विज्ञापन जारी होते ही हम आपको जानकारी देंगे, उसकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि इस समय बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जी हां, बीएड वेस्ट बीटीसी का मुद्दा बहुत ही प्राथमिकता से इस समय चल रहा है, और अभी हाल ही में हाईकोर्ट की तरफ से जो भी छात्र यूपीटीटी 2021 में बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती लेवल 1 के लिए बैठे थे यूपी टेट में, उनके प्रमाण पत्र देने पर यहां पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, और ये रोक अभी लगभग 16 जुलाई तक बरकरार है, और उसके बाद कितने दिन तक लगी रहेगी कोई संभावना, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट रोक हटाने से बिल्कुल भी हट नहीं रहा है। और ऐसे में अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है तो वो छात्र उससे वंचित होंगे। तो इसी को देखते हुए जो बीएड छात्र हैं, इस रोक के खिलाफ हाईकोर्ट डबल बेंच में उन्होंने एक याचिका फाइल कर दी है, जहां यहां पर छात्रों की तरफ से बड़ा धमाका किया गया है और पलटवार कर दिया गया है कि टीटी 2021 के प्रमाण पत्र वितरण पर हाई कोर्ट से रोक लगने के बाद बीएड पास अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखने उच्च न्यायालय पहुंच चुके हैं। उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का समय भी यहां दे दिया है, और जैसे ही यहां पर जवाब दाखिल हो जाएगा उसके बाद ये जो सुनवाई है वो यहां पर देखने को आगे मिल सकती है और राहत भी छात्रों को यहां पर मिल सकती है। फिलहाल पक्ष रखने की अनुमति यहां पर दी गई है। अब मामले की जो अगली सुनवाई है 14 जुलाई को होगी, यानी कि लंबे समय बाद होगी। फिलहाल तब तक तो रोक यहां पर जायज रहेगी, लेकिन उच्च न्यायालय से यहां पर राहत छात्रों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, सुनवाई शुरू होने के बाद चीजें स्पष्ट होंगी। फिलहाल अभी तो बीएड छात्रों को जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा ही। तो अब आगे की जो भी अपडेट होगी बीएड वेस वीटीसी में इनकी सुनवाई को लेकर हम लगातार अपडेट करते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें।